नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ राहुल। दिखाते हैं जिले की कुछ खास खबरें। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइंस पर नजर। भवानी मंडी में हेड कांस्टेबल ने मनाया अपनी बेटी का अनूठा जन्मदिन। अंबेडकर स्कूल पहुंचकर बच्चों को बांटी पेन कॉपी। भवानी मंडी में 55 फीट का होगा रावण। पालिका जुटी रावण दहन की तैयारियों में। आवर में उपखंड अधिकारी ने की अवैध बजरी खनन पर कार्यवाही। मौके पर 9 ढेर बजरी किए जब्त। देर रात आवर की आव नदी का है मामला। चौमेला में कन्याओं को प्लास्टिक से मुक्त कराया भोज। प्लास्टिक के पत्तल धोने का किया बहिष्कार। सार्वजनिक गरबा मंडल की अनोखी पहल। चौमेला में आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या। बामन देवरिया गांव का है मामला। विधायक पहुंचे ढांडस बंधाने। आवर में अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति की धारदार हथियार से गला रेतने की करी कोशिश। पगारिया थाना क्षेत्र के जाजनी गांव का है मामला। गंधार में बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री करी भेंट। नौकार ग्रुप ने 125 परिवारों को दी जरूरत की चीजें। कानपुर में गरबा डांडिया रास की मच रही है धूम। नव दुर्गा मंडल के तत्वाधान में अलग अलग सजाई जा रही है झांकियां। और अब डालते हैं खबरों पर विस्तृत नजर। झालावाड़ जिले के गंगधार कस्बे में नौकार ग्रुप चौमेला की ओर से बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री दी गई। नौकार ग्रुप की अध्यक्ष ज्योति जैन ने बताया कि पिछले दिनों गंगधार कस्बे में आई बाढ़ की वजह से कई परिवारों के घर टूट गए। खाने पीने ओढ़ने पहनने के सामान बह गए, जिसको लेकर ग्रुप की ओर से 125 परिवारों को कंबल कपड़े बर्तन दरी सहित आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गई। गंगधार कस्बे के जैन मंदिर परिसर में बाढ़ पीड़ित परिवारों को नौकार ग्रुप की ओर से ये सामग्री उपलब्ध करवाई गई। सामग्री पाकर बाढ़ पीड़ित परिवारों के नौकार ग्रुप से जुड़े सभी सदस्यों का दुख इस घड़ी में साथ देने के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान स्नेहलता पिछोलिया, शोभा मेहता, सोनू ओसवाल, निशा पिछोलिया, रीना पोरवाल, अंगूर बाला मेहता, जूली पोरवाल, कुंता जैन, विद्या नांदेचा, शकुंतकला विजावत, लक्ष्मी ओसवाल, अलका संतेज जी, गंगधार सरपंच राजेश नीमा, नरेंद्र पिछोलिया, नीलेश पोरवाल सहित नौकार ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे। ठीक। जाने सामान की व्यवस्था भाई जी। कानपुर कस्बे में नव दुर्गा मंडल के तत्वाधान में नवरात्र स्थापना से नवमी तक बनने वाली झांकियों के साथ में गरबा डांडिया का रास आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। कानपुर कस्बे में मुख्य गुदरी चौराहे पर नव दुर्गा मंडल के तत्वाधान में प्रतिदिन अलग अलग माता का श्रृंगार कर झांकियां बनाई जाती है। इसके साथ ही डांडिया रास का आयोजन कर नृत्य मग्न भक्ति की जाती है। अलग अलग दिन अलग अलग महाभारत, रामायण, कृष्ण जन्मोत्सव में नाट्य का मंचन भी किया जाता है।
नवदुर्गा मंडल समिति ने बताया कि दशहरा पर्व पर इनाम योजना का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तकरीबन 1 लाख रुपए की लागत से कूपन निकाले जाएंगे। वहीं विजेताओं को इनाम वितरित किया जाएगा। भवानी मंडी सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद रात में हो रहे अवैध बजरी खनन की रोकथाम को लेकर उपखंड अधिकारी राजेश डागा रात 1 बजे आवर गांव की आऊ नदी पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए वहां पर अवैध रूप से हो रहे रेत के ढेर को कब्जे में लेकर वह एक LNT मशीन जब्त की। उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने बताया कि रात को करीब 11 बजे जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंघाल का फोन आया कि आवर गांव की आऊ नदी में अवैध तरीके से बजरी खनन कर बजरी ले जा रहे, जिस पर स्थानीय पुलिस को सूचना दे दी गई। इस पर कोई कार्यवाही न होने पर स्वयं रात को करीब 1 बजे आवर नदी पहुंचकर देखा तो वहां ना तो ट्रैक्टर मिला ना ही JCB मशीन मिली। मौके पर पहियों के निशानदेही बने हुए थे, पहियों के निशान पर जाकर देखा तो कुछ ही दूरी पर एक बाड़े में LNT मशीन खड़ी हुई थी। जब वहां के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह LNT मशीन वो ट्रैक्टर वाले पुलिस की गाड़ी देखकर भाग गए हैं। रात को 2 बजे तक कार्यवाही के दौरान पगारिया थाना अधिकारी हजबुल रहमान, पटवारी अविनाश पाटीदार मौजूद थे। शनिवार को सुबह खनन विभाग के सर्वेश्वर सुभाष कुमार ने बताया कि LNT मशीन का मालिक अभी तक कोई नहीं आया है, वो मौके पर 20 टन बजरी जब्त कर ली गई है। LNT मशीन पर 1 लाख रुपए का बजरी व 7,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। रात को आपको कैसे सूचना मिली है? रात को SDM साहब ने भवानी मंडी वालों ने सूचना दी कि कोई LNT और ट्रैक्टर वगैरह ये कुछ जनाना घाट के आवर में आहू नदी में से रेती निकाले, तो जाके देखी। मैं आया था वहाँ से जो है LNT ट्रैक्टर वगैरह तो नज़र नहीं आए, वहाँ से निकल चुके थे, भग चुके थे। फिर SDM साहब आए, SDM साहब ने आकर के देखा कि मुबारक शाह के जो ये खेत है आहू नदी के पास, इस खेत में LNT खड़ी हुई मिली, बाकी ट्रैक्टर वगैरह भग चुके थे। तो उसके जो निशान वगैरह और जो वहाँ रेती के ढेर पड़े हुए थे उनको देख करके उन्होंने खनिज विभाग वालों को आदेश दिया। खनिज विभाग वाले और कानों को साहब अभी चल के आए हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और जैसी भी हो कार्रवाई करके SDM साहब को रिपोर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद। चलो करो। नमस्कार, आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। देर रात को भवानी मंडी उपखंड अधिकारी द्वारा अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हो अवैध रेत के ढेर पड़े हुए हैं। इसी दौरान पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने से उपखंड अधिकारी देर रात को स्वयं आए और मौके पर रेत जब्त करी। इसके बाद यहाँ चल रही LNT जो अवैध खननकर्ताओं को सूचना मिलने पर उन्होंने यहाँ से मौके से थोड़ी दूर खड़ी कर दी थी, जिसको भी देर रात को उपखंड अधिकारी ने LNT को जब्त करी और पुलिस जाप्ता लगाकर उसकी निगरानी की गई। पुलिस की जांच संदिग्ध अवैध रेत खनन का जो खेल चल रहा है आऊ नदी के पूरे क्षेत्र में, इसके खिलाफ जो मुहिम जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी द्वारा की जा रही है ये आगे कहाँ तक पहुँचती है इसके बारे में आपको समय समय पर बताया जाएगा। फिलहाल पुलिस जाँच, अभी यहाँ पर पुलिस भी संदिग्ध भूमिका में दिख रही है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो पूरी नदी का क्षेत्र है, इसमें आऊ नदी में रेत आती है और यहाँ की बहुपयोगी रेत दूर दराज तक लोग ले जाते हैं। कल रात्रि में 10:15 बजे
श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि आवर ग्राम में आहू नदी के किनारे एक LNT और 4-5 ट्रैक्टरों द्वारा अवैध बजरी का दोहन किया जा रहा है, मैंने SHO पगारिया को मौके पर पहुंचने के लिए बोला। SHO पगारिया ने जब रात्रि मौके पर पहुंचे तब तक उन लोगों को आभास होने पर वहां से वो लोग चले गए थे। तब मैंने स्वयं भवानी मंडी से आवर जाने का निर्णय लिया और SHO को वहीं रुकने के लिए कहा। मैंने जब वहां मौके पर पहुंचा 12:15 बजे पटवारी हल्का को साथ लेकर, तब मौके पर निशाना देखे बजरी का तुरंत ही दोहन किया हुआ पाया गया, जो कि लगभग 10-12 ट्रैक्टर ट्रोली बजरी अभी निकाली हुई थी और वहां पर LNT मशीन के निशानात थे, जिससे साबित होता था कि LNT मशीन कुछ घंटे पहले ही वहां पर काम करते हुए पाई गई थी। तब मैंने उन निशानात के आधार पर SHO को साथ लेकर लगभग वहां से 300 मीटर दूरी पर मौका देखा, तब वहां LNT खड़ी मिली और उस पर मिट्टी लगी हुई थी, वो भी ताज़ा लगी हुई थी। आस पास में पूछताछ करने पर वही लोगों ने बताया कि अभी कुछ घंटे पहले ही ये मशीन यहाँ छोड़ के गए हैं और ट्रैक्टर्स 2-3 थे जो भाग गए हैं। तब हमने LNT को कब्जे में लिया और सुबह माइनिंग विभाग को बुलाकर उनकी सुपुर्दगी में दिया गया है, तथा अवैध बजरी दोहन करने वाले वाहन और लोगों के विरुद्ध में नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु माइनिंग विभाग को कहा गया है। धन्यवाद। और इसी के साथ इस खबर के लिए लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता लोकेश मकवानों को, जो आज देर रात इस कार्रवाई में साथ थे। राजस्थान सरकार की बजरी खनन की रोकथाम कहीं ना कहीं खानापूर्ति नजर आ रही है, जिसकी बानगी देर रात को आवर ग्राम पंचायत के आऊ नदी में देखने को नजर आई। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद उपखंड अधिकारी राजेश कुमार डागा मौके पर पहुंचकर एक LNT और 10 ट्राली रेत वहां जब्त की। माना जा रहा है कि जिस तरह से खनन माफिया वहां देर रात को जब जैसे सूचना मिली तो वो लोग सब फरार हो गए थे, और ऐसी बात ये नई बात नहीं है। जिस तरह से झालावाड़ जिले के अंदर बजरी खनन का मामला लगातार बदस्तूर जारी है और रोकथाम के लिए खाली खनन विभाग की टीम खानापूर्ति कार्रवाई कर लेती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से देर रात को कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद बजरी माफिया में कितना डर पैदा है, ये देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, पुलिस प्रशासन भी मौके पर होना चाहिए। लेकिन देर रात को खबर 24 की टीम जब मौके पर पहुंची तो देखने को ये नजर आया कि पगारिया के एक थानदार और 4 सिपाही उनके साथ थे। अगर कुछ घटनाक्रम हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? लेकिन उपखंड अधिकारी की पहल जो है वो ऐसी देखी जा रही है और कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालकर वो वहां पहुंचकर उन कार्रवाई को अंजाम देते हैं। मैं लोकेश मकवाना, खबर 24 से। भवानी मंडी में हर्ष वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी दशहरा पूर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। नगर पालिका की ओर से मेला मैदान स्थित परिसर में 55 फुट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। वह पचपाड़ में 45 फुट रावण का दहन किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष वेंकी गुर्जर ने बताया कि दशहरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। इस बार रावण के पुतले की आतिशबाजी बढ़ाई गई है। इस बार रावण का पुतला बनाने का ठेका पचपाड़ निवासी अशोक सैनी कलाकार द्वारा रावण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गुर्जर ने बताया कि भवानी मंडी में 55 फुट का रावण, पचपाड़ में 45 फुट का रावण बनाया जाएगा। साथ ही रावण दहन से पूर्व 1 घंटे तक आतिशबाजी की जाएगी। उन्होंने बताया कि रावण दहन से पूर्व नगर पालिका से दोपहर 3 बजे भगवान राम दरबार की झांकी शहर के प्रमुख मार्गों से होकर मेला मैदान स्थल तक बैंड बाजों के साथ पहुंचेगी। अंत में बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया जाएगा। अरे एक कारीगर अच्छी लग रही हो तो मूवी आ जाओ। मैं अशोक सोनी, ये रावण बना रहा हूँ। ये भवानी मंडी का रावण है। भवानी मंडी 55 फिट का है। इसकी लागत 1,15,000 है और एक पचपाड़ का है 45 फिट का है, उसकी लागत 65,000 है। चौमाला के सार्वजनिक गरबा मंडल में कन्याओं और नगरवासियों को प्लास्टिक से मुक्त भोज कराया गया, जिसमें प्लास्टिक के डिस्पोजल और कागज से बनी पत्तलों का बहिष्कार किया गया और पेड़ों से पत्तों से बनी पत्तल धोने का उपयोग कर प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में अंतर्गत सर्वप्रथम सार्वजनिक मंडल बैंड बाजों के साथ राजकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक कन्या पाठशाला चौमिला पहुंचे और लगभग 400 स्कूली छात्र छात्राओं को माला पहनाकर
बैंड बाजों के साथ जुलूस के रूप में गरबा मंडल कार्यक्रम स्थल पर लाए एवं आयोजक द्वारा कन्याओं का चरण पूछ कर एवं दक्षिणा देकर भोजन करवाया गया। कन्या भोज के साथ ही नगरवासियों ने भी भोजन प्रसादी ग्रहण की। सभी ग्रामवासियों ने कार्यक्रम में प्लास्टिक, डिस्पोजल और कागज और अन्य सामग्री जो कि पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली सामग्री प्रयोग नहीं करने का नगरवासियों से निश्चय किया। सार्वजनिक गरबा मंडल चौमेला के अनूठे कार्यक्रम की सर्वश्रेष्ठ चर्चा और प्रशंसा हो रही है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार, आप परेशान ना हो, आराम से बैठ जाए, सभी बच्चे आराम से बैठ जाए। चौमेला में आर्थिक तंगी और कर्ज से बोझ से परेशान होकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या करने वाले बामन देवरिया के उन्हेल नागेश्वर थाना के युवा किसान गोवर्धन सिंह के घर पहुंचे डग विधायक कालूराम बैगवाल एवं मृतक किसान के परिजनों से मिले, वहीं ढांढस बंधाया और हर प्रकार की सहायता का भरोसा दिलाया एवं राज्य सरकार की पालनहार योजना के तत्परता से फार्म भरवाए और परिजनों को सलाह दी कि मृतक किसान में एक 11 वर्षीय पुत्र एवं 13 वर्ष के लगभग पुत्र हैं। विधायक कालूराम मेघवाल ने गोवर्धन सिंह के पुत्र से भी भेंट की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। और पगारिया थाना क्षेत्र के जाजनी में शनिवार सुबह अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति की धारदार हथियार से गला रेतने की कोशिश की। सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्रामीण और पुलिस ने गंभीर घायल को आवर पीएचसी पर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भवानी मंडी रेफर कर दिया गया। थानाधिकारी फजल रहमान ने बताया कि शनिवार सुबह 11 बजे फोन पर सूचना मिली कि जाजनी के प्रभुलाल मेघवाल को आवर रोड पर किसी ने गला रेत कर घायल कर दिया। पुलिस ने आवर पीएचसी पर प्राथमिक उपचार के बाद घायल व्यक्ति को भवानी मंडी रेफर कर मामला दर्ज कर लिया। भवानी मंडी थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल शेर सिंह ने अपनी बेटी का जन्मदिन बड़े ही अलग अंदाज में मनाया, जहां कुछ लोग दिखावा करने के लिए अपने बच्चों का जन्मदिन को बेशुमार खर्च करते हुए बड़े लोगों को बुलाकर जन्मदिन मनाते हैं। वहीं भवानी मंडी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल ने अपनी बेटी का जन्मदिन बड़े ही सादगी के साथ मनाया, जहाँ राजकीय अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर गरीब छात्र छात्राओं को नवरात्रा के चलते छोटे बच्चों के साथ जन्मदिन की खुशियां बांटी। वहीं इस दौरान शेर सिंह ने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जो बच्चे लगातार स्कूल आते हैं और अच्छे अंकों से पास होते हैं, उन बच्चों को पारितोषिक दिया जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने बच्चों को पेन, कॉपी और कलम वितरित किए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जिको। चुड़ के माता दाऊ एक लीर बन जारा रे बन जारा रे रे आलूर दे चरा है मामला अब जाको साहिब ने महल बनाई बन जा रे बन जा रे
उड़ के मत जाओ, एक नीर बन जाड़ा रे बन जाड़ा रे। नाकोळ हा उपभोक्ता बाजार, शादी विवाह, जन्मोत्सव, बर्थडे, पिकनिक एवं अन्य कार्यक्रमों से संबंधित सभी प्रकार के किराना आइटमों की विस्तृत श्रृंखला, जनरल सामान्य सौंदर्य प्रसाधन सामग्री सभी ब्रांड्स में उपलब्ध, नमकीन व स्वीट सभी ब्रांड्स पैकिंग में उपलब्ध, समस्त प्रकार के देशी विदेशी ड्राई फ्रूट्स के अनेकों ब्रांड उपलब्ध, साथ ही पतंजलि की विस्तृत श्रृंखला, सभी आइटमों पर 5-35% तक की छूट। हमारा पता, गुरुद्वारा तिहारा, न्यू सब्जी मंडी रोड, भवानी मंडी। तो चले आइए एक ही छत के नीचे नाकोड़ा बाजार में। प्रोप्राइटर राजेश नाहर, जिनका मोबाइल नंबर है 9414420886। प्रवेश प्रारंभ, श्री कृष्णा प्राइवेट आईटीआई। आईटीआई करना हुआ आसान, सेमेस्टर सिस्टम समाप्त, माइनस मार्किंग समाप्त, वार्षिक परीक्षा प्रणाली प्रारंभ। गत 4 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली झालावाड़ जिले की डिजिटल क्लासरूम वाली एकमात्र आईटीआई, जहां ट्रेड की सुविधा, इलेक्ट्रिशियन अवधि 2 वर्ष, योग्यता 10वीं पास। हमारी सुविधाएं हैं राज्य के नियम अनुसार, SC ST OBC के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति, कुशल अध्यापकों द्वारा अध्ययन सुविधा, कमजोर छात्र छात्राओं के लिए अतिरिक्त क्लास की सुविधा, प्राइवेट कंपनियों के लिए प्लेसमेंट सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, इतनी सारी सुविधा एक ही जगह, कृष्णा प्राइवेट आईटीआई, स्थान उषा कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, भवानी मंडी। डायरेक्टर अनिल मल्होत्रा, CEO आशीष जाकेतिया, प्रिंसिपल कलीम मोहम्मद, जाकर लैंडलाइन नंबर है 07433223399, इनका मोबाइल नंबर है 9782797110 9782797911। सिद्धार्थ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, अवर हॉस्पिटल डेडिकेटेड टू ह्यूमन वेलबींग। हमारी विशेष सुविधाएं, प्रसूति गृह, सामान्य एवं दूरबीन शल्य चिकित्सा, निसंतता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र, मेडिकल, सर्जिकल एवं प्रसूति संबंधित आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे, कलर डॉपलर सोनोग्राफी, नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, मेडिकल स्टोर 24 घंटे। वी हैव अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, डॉक्टर अनिल यादव फिजिशियन एवं सर्जन, डॉक्टर सुनीता यादव स्त्री रोग चिकित्सा। हमारा मोबाइल नंबर है 8290635591 9461787752। हमारा लैंडलाइन नंबर है 07433223362। हमारा पता है पचपार रोड, भवानी मंडी, जिला झालावाड़।